Of course, actually, okay, niche. Obviously, my friend Bunty's restaurant is obviously I'm very happy. It's a very nice restaurant, lounge kind of a vibe, and I think we wanted something Pan-Asian, especially this side of the, like, you know, we had no Pan-Asian in Andheri, so obviously I'm very excited that I have something, a new place to go to. मैं बिल्कुल पार्टी करना पसंद नहीं करती हूँ. आई एम द लास्ट पर्सन टू गो आउट टू पार्टी, बट ऑब्वियसली जब फ्रेंड्स का कुछ होता है तो यू नो यू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड यू वांट टू सपोर्ट इट. आई हैव कम हियर फॉर फूड टेस्टिंग बिफोर एंड द फूड इज अमेजिंग, सो इट फील्स ग्रेट व्हेन योर फ्रेंड्स डू समथिंग प्रोग्रेसिव एंड दे डू गुड. आई थिंक आई एम जस्ट हियर टू विश लॉट ऑफ लक टू हिम एंड लक टू हिम. थैंक यू, थैंक यू. वेल, आई थिंक जो जो ये रेस्टोरेंट ये फाइन डाइनिंग ने शुरू की है वो मेरे बचपन के दोस्त हैं. आई एम वेरी हैप्पी एंड विश देम ऑल द सक्सेस एंड ऑल द लव. यहाँ का खाना मैं खा चुका हूँ बिकॉज हमारे लिए एक दोस्तों के लिए एक शॉर्ट सॉफ्ट ओपनिंग रखी गई थी. सो द फूड इज़ आउटस्टैंडिंग एंड आई थिंक जैसे बहुत फेमस रेस्टोरेंट जैसे याउचा है या फिर वो दोस्त का साउथ एशियन और एशियन क्यूजिन रेस्टोरेंट्स हैं. दिस इज़ द आंसर टू दोज रेस्टोरेंट्स फ्रॉम लोकनवाला. मैंने कहा ना कि मेरे बचपन के दोस्तों ने जगह शुरू की है एंड सेकंडली द फूड इज अमेजिंग. आई थिंक अब जब लोग यहाँ आएंगे खाना शुरू करेंगे तब जाकर मुझे पता चलेगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे यहाँ खींच के ले जाए. करण, आप पर्सनली पार्टी लवर हैं, सैटरडे के दिन पार्टी करते हैं, लेकिन कौन सी आपकी फेवरेट जगह है तो कौन सा? वेल, अब ये जगह पास घर के पास है तो ज़्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े भी नहीं जाएंगे, तो आई थिंक यही जगह मेरी सबसे खास होगी. वापस देखिए, मैं 3.5 महीने बाद छूट के आया हूँ. हाँ, एक कैद बामशक्कत से, बड़ा लिटरली बिग बॉस से आया हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है. लाइट्स, ये जो कि ऑफ लाइट्स है, न्यूज़ चैनल्स है, कुछ खाने को अच्छा खा लिटरली. और ये मतलब मैंने बहुत अच्छा सुना इसके बारे में. करण पटेल ने बहुत तारीफ़ की है और स्पेशली मुझे कहा कि भाई तू तो ज़रूर आना क्योंकि बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा तुझे. मेरा पति सिर्फ मेरा है. सोशल मीडिया से कुछ मैनेज करती करती मैं बहुत ही खुश हूँ कि सब अकाउंट वापस दिए हैं, मुझे छुट्टी मिली, वी कैन एंजॉय अ नाइट आउट. बहुत 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 ज़्यादा. वहाँ पर उल्टा था बिकॉज वहाँ पर सुबह गाना बजता था तो हमको सुबह डांस करना पड़ता था. बड़ा अजीब सा माहौल था बिकॉज सुबह कौन डांस करता है नींद से उठ के, बट वहाँ पर वैसा माहौल था. दिस इज़ द माहौल जो मैं बहुत मिस करता हूँ, यू नो, म्यूज़िक, खाना, गाना, दोस्त. सो अब मैं अंदर जाऊँगा और शायद बाहर ना आऊँ. आज के बाद याउजा. ये वापस लेते हैं, याउजा नहीं, याजू. हाँ, याजू. आज के बाद याजू होगा बिकॉज ये हमारे घर के पास है और बहुत ही शानदार, बहुत ही स्पेशियस है. सेंटर में देख लेती हूँ. ओके अदिति, तो आज याजू जी लॉन्च है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? वेरी एक्साइटेड आई एम बिकॉज इट्स करण भैयाज लॉन्च एंड इट्स अ न्यू वेंचर फॉर हिम एंड मेरे तो रियल टाइप पापा ही हैं वो. So I'm very, very, very excited for this launch and I'm looking forward to go inside and I think मैं हर वीकेंड यहीं पे होने वाली हूँ. Okay, ये है मोहब्बत की पूरी लास्ट यहाँ पे है, रंग लगाए जी, तो कितना कुछ फन अंदर होने वाला है? See, we look forward to for outings because you know all the time we are shooting together but जो ऑफसेट वाला टाइम है वो बहुत कम मिलता है. सो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट एंड अब मतलब घर के किसी फैमिली के इंसान ने ऐसा कुछ खोल लिया है, सो यू नो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी ओवरवेलमिंग टू कम हियर. ओके अदिति, आल्सो आपसे जानना चाहेंगे कितने पार्टी लवर है और आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है अगर पार्टी की बात करें? पार्टी लवर सी, आई लव टू डांस इन पार्टीज लाइक मैड डांस बट आई डोंट गो ऑफन आउट, आई डोंट लाइक गो ऑफन बट बिकॉज इट्स लाइक अ अर्ली कॉल टाइम एवरी डे फॉर मी. बट जब मौका मिलता है आई गो आउट एंड आई थिंक एवरी प्लेस विद अ ग्रेट विद ग्रेट म्यूजिक इज आई थिंक माई फेवरेट प्लेस. या थैंक यू. नया प्लेस हो गया है पार्टी के लिए, क्या कहना चाहिए?
सच बताऊँ तो काफ़ी जगहें पुरानी हैं, हम बहुत कम पार्टी करते हैं एंड काफ़ी जगहों से हम होता है इंसान एक साथ बोर होने लग जाता है एंड अच्छा लगता है जब कोई नई जगह खुलती है। एंड करण भाई के बहुत से दोस्त हैं जिनकी जगह है तो ऑफकोर्स हम लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहेगा एंड सच ए नाइस प्लेस, बहुत अच्छी लोकेशन है। सो मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा उनको एंड आई होप कि ये जगह बहुत अच्छी चले क्योंकि जिस हिसाब से बनाई है, जिस हिसाब से हर एक चीज़ रेडी की गई है। ओके, ऑल्सो जानना चाहेंगे कितने पार्टी लेवल है आप पर्सनली और एंजॉय करते हैं पार्टी? देखिए पार्टी तो बहुत ओकेजनली करता हूँ बट जब करता हूँ तो बहुत अच्छे से करता हूँ, तो इसीलिए हर दिन वाला हूँ ही मैं, हर दिन पार्टी में करता नहीं। बट ऑफकोर्स ये जगह अच्छी, आज मैं काफ़ी देर बाद आया हूँ एंड आई होप कि आज की बात अच्छी है। ओके, ऑल्सो बात करो कि खिलाड़ी के बारे में जानना चाहेंगे, और कैसा रहा एक्सपीरियंस खिलाड़ी का और कौन से डर को माइंड ब्लोइंग है? आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम लोगों की कितनी बजी पड़ी है एंड बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत माइंड ब्लोइंग था, बहुत मज़ा आया एंड अभी अपने आप को देखने में लग रहा है कि हमने क्या क्या किया, इट्स अमेजिंग। आगे आगे बहुत ज़्यादा डेडली और बहुत डेयरिंग स्टंट है, मतलब अपने आप पे भरोसा नहीं होता है देख के। अभी जब सब देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। सो आई होप कि आप सब लोगों को भी पसंद आए। और हाइट, आई गेस हाइट का एक फेयर था जो बड़ी मुश्किल से मेरा निकल गया है अंदर से एंड जो बचपन से था, तो आई थिंक वो 45 डेज में हाइट निकल गया मेरा। ओके, अब आगे के कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी फ़िलहाल शेयर तो नहीं कर पाऊँगा बट ऑफकोर्स कुछ अच्छा है एंड इंशाल्लाह खतरों के खिलाड़ी के खत्म होने से पहले पहले शायद आ जाए। ओके सर, आज यासू का लॉन्च है, क्या कहना चाहेंगे? सुपर एक्साइटेड, आई विश द प्लेस ऑल द बेस्ट, आई लव फूड एंड आई होप द फूड इज ग्रेट। ओके, पर्सनली कितनी पार्टी लवर है? पार्टी नहीं बट आई एम अ फूड लवर, आई कैन नेवर से नो टू फूड, आई जस्ट आई थिंक आई लिव टू ईट। लोग जीने के लिए खाते हैं, मैं खाने के लिए जी रही हूँ। ओके, आपका नया शो आ रहा है हैप्पी वाला डांस, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं, क्या है? सुपर एक्साइटेड, वी आर शूटिंग अभी दो दिन में, टेलीकास्ट है, वी हैव अ फिंगर्स क्रॉस्ड, इट्स अ ब्यूटिफुल शो विद लॉट ऑफ एनर्जी, हैप्पी अ लॉट लाइक मी, हाउ आई एम नॉर्मली ऑलवेज हैप्पी फुल ऑफ एनर्जी एंड आई एम होपिंग पीपल विल लव इट। ओके सर, करिश्मा आज जो है यासू का लॉन्च है, क्या कहना चाहेंगे, कितना कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, क्या कुछ फन करने वाली? मैं अभी अभी आई हूँ तो एक्चुअली एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर रही हूँ क्योंकि जो मुझे दिख रहा है वो मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, पर मैं एक बार अंदर जाऊँगी तो मुझे पता चलेगा हाउ इज द एक्सपीरियंस एंड एशियन फूड इज माई फेवरेट कुजीन, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड यम्मी फूड। ओके, कितनी पार्टी पर्सन है आप अगर आपसे जानना चाहेंगे? व्हेन यू डूइंग अ टीवी शो देन यू डोंट have a social life and you can't be a party person, so I think मैं बहुत दिनों के बाद literally step out कर रही हूँ इवेंट में आई हूँ because of Karan and Ankita, they are dear friends, so I have taken the effort, मैंने effort लिया है to come from my shoot after 12 hours of shooting and then I have gotten ready and then I'm coming here. Okay, काफ़ी सारे friends अंदर already मौजूद हैं, साथ ही में कयामत की रात की कयामत की रात सब जगह है, देखो क्या कितने एक्साइटेड है अंदर जाने के लिए, क्या कुछ? बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज सारे फ्रेंड्स दूर दूर से दिख तो रहे मुझे, तो मैं मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। अब मैं कौन हूँ? आई हैव रियली नथिंग टू से अबाउट इट, इट इज हिज लाइफ। मैं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने गर्ल्स को मतलब रिस्पेक्ट नहीं दिया है, जो उनके कमेंट्स थे वो काफ़ी इररिस्पेक्टफुल थे। आई रियली वॉन्ट टू से वन थिंग, दे आर पब्लिक फिगर, दे आर लिटरली आइडल्स ऑफ इंडिया, तो थोड़ा सोच समझ कर बोले तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। ओके सो आज यासू का लॉन्च है, क्या कहना चाहेंगे, कितना कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं अंदर, क्या मस्ती क्या धमाल? वेल वी विस हम एक्टर्स वी ऑलवेज एक्साइटेड फॉर अ न्यू थिंग, जब भी हमारे कोई फ्रेंड या हमारा कोई भी कलीग जो कोई भी रेस्टोरेंट ओपन होता है, वी ऑलवेज कम टू विजिट, हम हमेशा आते हैं और हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। बट द स्पेशल थिंग इज़ फॉर दिस प्लेस,
दिस इज़ नियर बाय आर प्लेसेस और हम पैकअप करके अभी भी मैं शूट से पैकअप करके तुरंत आई हूँ एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर टुडे. तो जब भी हम आएंगे लेट नाइट वी कैन विजिट हियर, वी डोंट नीड टू गो टू टाउन कम्प्लीटली, सो वी कैन कम हियर और हम इंजॉय कर सकते हैं. एंड द बेस्ट थिंग इज़ दिस इज़ रियली ओपन. हमारे सारे जो को एक्टर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो भी यहाँ पे रहते हैं, तो वी कैन कनेक्ट यू नो. दैट्स द रीज़न आई रियली लाइक दिस प्लेस. वेल द थिंग इज व्हेन वी डोंट वर्क, व्हेन वी टेक अ ब्रेक, उस वक्त हम भी पार्टी अ लॉट. बट व्हेन वी आर वर्किंग वी कांट पार्टी दैट मच बिकॉज हमारी नॉर्मल शिफ्ट होती है एंड वी कांट पार्टी because of that reasons. But then tomorrow I'm not shooting, so I was really excited. I was like, dude, I want to come today. I'm not shooting tomorrow that's why I want to come today. So I was really excited for this place. Abhi main yahan se nikle, I'm going to visit all my friends. Sare mere purane dost aa rakhe hain, so I'm going to meet them. कॉम्प्लीमेंट. मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि आज मैं इस पार्टी के लिए ये पहनूंगी, बट काफ़ी दिन से मेरा ये मन था कि आई रियली वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस कलर इन विंटर, स्पेशली दिस बॉटल ग्रीन. सो मेरे लिए बॉटल ग्रीन कलर बहुत एक्साइटिंग है. बैकलेस विच इज सोनी सिंह स्पेशल, सो आई रियली रियली लाइक वेयरिंग बैकलेस. तो आज मैंने उसी के लिए स्पेशली पहना था. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. क्या मस्ती क्या धमाल. ब्रदर्स पटेल इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ धमाल. सो करण पटेल इज लाइक वन ऑफ माय माय डियरेस्ट फ्रेंड, ही इज वेरी क्लोज टू मी. सो उसका आज ही मतलब वी कैन फिगर इट आउट टुडे ओनली एंड वी हैव टू बी हियर नो मैटर व्हाट. ओके आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो. बहुत सारा फन एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं और रवि, बहुत टाइम बाद इकट्ठे टाइम निकाल के इकट्ठे हुए. सो दिस इज़ आवर टाइम आउट एंड आवर मोमेंट, सो वी आर गोइंग टू रियली एंजॉय. काफ़ी सारे फ्रेंड्स अंदर मौजूद है, कितने टाइम बाद उन लोगों को मिल गए, उनके साथ पार्टी कितने टाइम बाद. हम तो आपके साथ बाहर है तो अंदर कौन कौन है मुझे पता नहीं है एक्सेप्ट करण. सो आई थिंक 2-3 महीने बाद जो भी कोई होगा 2-3 महीने. ओके पर्सनली आप लोग के साथ पार्टी करते हैं. हाँ पार्टी करते हैं उनके साथ में. पार्टी ये रहती नहीं बॉम्बे में, ये रहती है पंजाब में, शूट कर रही होती है. शी जस्ट फिनिश्ड अ फिल्म एंड केम बैक. इन फैक्ट शी केम बैक एंड नाउ शी हैज टू गो अगेन टू फिनिश अ शूट. मैं तो यहीं हूँ घर की मुर्गी. रवि सर हाल ही में जो कॉफी विद करण शो में हार्दिक पांडे और के राहुल ने कमेंट किया, डेरोगेटरी कमेंट किया, क्या कहना चाहेंगे, कितना इरिस्पॉन्सिबल कमेंट है. और मैं सीरियसली ऑनेस्टली इफ आई टेल यू I haven't seen the episode. I believe it has been pulled down also. I've been trying to find those comments and I've been trying to see that video. I haven't seen it yet. But if there are any comments that are misogynistic in nature, well, we must put it down. Absolutely. Okay, also, I think the look ke baare mein jaanna chahenge. Kaafi acche lag rahe hain dono. Kuch special plan kiya tha especially. Special plan kiya tha? मैं बताता हूँ क्या प्लान किया था. मैं पैर में पैर रख के बाहर उनका इंतजार कर रहा था आधे घंटे 40 मिनट तक. उसके बाद मैडम आई इस कदर तैयार होकर एंड आई वाज वेयरिंग माय बॉम्बर जैकेट एंड माय टी शर्ट एंड माय टॉन जीन्स एंड एवरीथिंग. मैंने कहा यार ये लोग तो मजाक उड़ाएंगे मेरा, मैं अगर वहाँ गया तो. कुछ भी नहीं यार, आज मैं बहुत दिनों बाद तैयार हुई. मैं पिछले इतने दिनों से शूटिंग करी थी, मैं सूट ही पहनती थी. उनका आज मैं कुछ अलग लगना चाहती हूँ तो मैंने थोड़ा टाइम ले लिया एंड आई केम आउट लाइक. बहुत मस्ती बहुत धमाल होने वाला है. आई थिंक यू नो आई सीन अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स इनसाइड, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो मीट एवरीबॉडी आफ्टर अ गुड टाइम इन द न्यू ईयर. ओके सबकी एक शिकायत जो रही है वो कॉन्स्टेंटली यही रही है कि उन्हें शूट से टाइम ही नहीं मिलता पार्टी करने का. तो आपसे जानना चाहिए आप कितनी पार्टी लवर हैं और कितना पार्टी करते हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पार्टी नहीं करती थी. जब हम शूट करते टाइम ही नहीं मिलता, जितना टाइम मिलता उतना वी गो टू स्लीप. बट नाउ दैट आई एम नॉट डूइंग एनी शो आई गेट आउट अ लॉट. आई हैव कम टू दिस लॉन्च एंड आई विल गो टू मेनी मोर प्लेसेस एवरी वीकेंड बिकॉज टाइम मिलता है. जब वापस शो करेंगे वापस नहीं करेंगे. ओके क्रिस्टल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका फेवरेट पार्टी प्लेस कौन सा है. माई फेवरेट पार्टी प्लेस बॉम्बे है, ऑल ऑफ बॉम्बे. यू नो इट्स नॉट जस्ट वन प्लेस. आई थिंक बॉम्बे
has a very nice vibe, a very nice chilled out crowd, and aap jahan pe bhi jao aapko maza aa jata hai. Aur Bollywood music hona chahiye thoda sa. Okay, aaj ke look ke bare mein kya kehna chahiye? Kaafi achhi lag rahi hai. Secret, I had already come to Yazoo, so I had already seen this place, I had eaten the food here, which is amazing. I knew that it was black and gold, so I cheated. Okay, so any upcoming project you would like to share with us? Very soon, we'll let you know. Thank you so much. Thank you. Okay, so Yazoo ka launch hai, aap to already andar jaakar aa chuki hai, kya kuch kiya, kitna masti ki andar jaakar? Andar jaake bahut zyada masti ki, bahut saari friends hai yahan pe, aur Yazoo jo hai Karan ka matlab hai partnership pe, and Karan just message me aur papa ne ek baar bulaya aur beti daudi aayi, so yeah, it's fun, it's fun. Okay, also ye hai mohabbat ki theme hai, to sex par milna hota hai, lekin jab aise parties wagera mein milna hota hai to kitna fun hota hai, aur kaise एक्चुअली सेट पे भी ऐसे ही होता है, ऑफ स्क्रीन भी हम लोग मस्ती करते रहते हैं, बट ऑन स्क्रीन ये है कि कोई भी कराने वाला नहीं है, सो वी कैन यू नो हैव फन. ओके, और ये भी जानना चाहिए कि इतना मुश्किल होता है पार्टी के लिए टाइम निकालना, और आप कितनी पार्टी लवर हैं? ओके, आई एम अ पार्टी लवर, आई एम टोटली अ पार्टी लवर, बट द थिंग इज टुडे इट वॉज नॉट डिफिकल्ट बिकॉज वी वर नॉट शूटिंग ओनली, सो टुडे वी वर नॉट शूटिंग एंड सो या पूरा दिन आई स्लेप्ट. I pampered myself and rat from partying. Okay, also look ke bare mein jana chahiye, kafi achhi lag rahi hai aap, to kuch special new special kya special to matlab kaise bolu, I'm just wearing a denim and denim jeans and a white tube top with blingy purse and my blingy earrings. Okay, to kuch special special is simply ke plan kya tha ya fir no, actually main plan subah se karti hu, बट जो प्लान किया होता है वो कभी पहनती नहीं हूँ, सो मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया, एंड लास्ट में आई पिक दिस एंड आई लाइक इट, होप यू गाइस आल्सो लाइक इट.